महाभारत क्यों हुई और रामायण क्यों हुई। अंतर देखिए कि महाभारत और रामायण में क्या अंतर है। रामायण कहां होती है और महाभारत कहां होती है? जब एक भाई अपने भाई के सिर से मुकुट उतारने में लग जाए तो महाभारत होती है, और जब एक भाई अपने भाई के शीश पे मुकुट रखने लग जाए तो वहां रामायण होती है। मुकुट उतारने का मतलब है उसका सम्मान का हरास, उसकी बेइज्जती, उसकी चीजों का हरण, अपना अधिकार समझना उस पर जिस पर हमारा अधिकार है ही नहीं। मुकुट उतारने का मतलब जब एक भाई अपने भाई का मुकुट उतारने लग जाए, उसकी शीश को खंडित करने लग जाए, वहां महाभारत होती है। और जहां एक भाई अपने भाई का सम्मान उसे मुकुट पहनाने में लग जाए, वहां रामायण होती है। यही तो हुआ, जहां राम अपना सब कुछ देना चाहते थे वहां भरत कुछ भी लेना नहीं चाहते थे। जहां एक भाई में सब कुछ देने की भावना तो दूसरा भाई कुछ लेना ही नहीं चाहता है, वहां रामायण हुई है। और जहां एक भाई का अधिकार था, बल्कि अधिकार से भी भगवान ने प्रस्ताव दिया था कि आधे राज्य पे पांडवों का अधिकार है, आधा तुम्हारा है, नहीं माना। भगवान ने कहा था कोई बात कुछ मत दो, हमारे पांडव बहुत संतुष्ट हैं, केवल 5 गांव दे दो छोटे, उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के तो मैं कुछ भी ना दूं, सुई की नोक के समान भी एक भूमि ना दूं मैं, बिना युद्ध के नहीं दे सकता। ये ठान लिया, ये क्या है, जिसका अधिकार उसका भी हरण करना, छीनना, वहां महाभारत ही तो होती है, वहां युद्ध ही होता है। और याद रहे, युद्ध भी कभी भी आपको सदमार्ग की ओर नहीं ले जा सकता, आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता युद्ध के स्थान पर। युद्ध को चुनोगे तो क्या परिणाम होगा, महाभारत को देखिए। और यदि सामंजस्यता सद्गुण को चुनोगे तो रामायण देखिए, आपको दिव्यता मिलेगी। और ऐसा सब हुआ तो कहते इसके कारण, दुर्योधन के कारण पूरी महाभारत हुई और ये कुल समाप्त हुआ। ये पूरी जीवन की परिणति है, आपकी अंतिम गति, कैसा आपने जीवन जिया है। और पूरा द्वेषपूर्ण जीवन दुर्योधन ने जिया, पांडवों से विरोध किया।